अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले यूथ को, जो आप कह रहे हैं तालीमी मयार बेहतर हो, इस तरह से यूथ जो है बाकी पाकिस्तान का आगे आने वाला मुस्तकबिल है, कुछ बात कर लेते हैं और दीगर इश्यूज़ के हवाले से। आजकल जो बहुत ज़्यादा इशू हमें देखने में आ रहा है तजावुजात के हवाले से, लोगों को जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक की रवानी जो है उसमें खलल पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आप भी अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। आपका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो तजावुजात हैं, इनक्रोचमेंट हैं, बिल्कुल इनको जो है आजकल मलिया मेल्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। देखे इसमें कसूर किसका है? कसूर गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट मींस जो इन चीजों को देखती है, केएमसी हुई, क्या हुई, तजावजात को, इनक्रोचमेंट को, जब वो इनक्रोचमेंट हो रही होती है तो उस वक्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता? सही। उस वक्त तो उनको करने दिया जाता है किसी भी वजूहत की वजह से, हाँ करो बेटा करो करो, जब हो जाती है, जब डंडा चढ़ता है फिर तोड़ो 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 फटाफट तोड़ो। आजकल ऑपरेशन चल रहा है जगह जगह तोड़ फोड़ हो रही है। आप देखें कि इस इनक्रोचमेंट की वजह से हमारे शहर की सारी खूबसूरती खत्म हो गई। बिल्कुल समझा, यहाँ इन इनक्रोचमेंट से लोगों को फुटपाथ पे चलना बड़ा दुश्वार हो गया, हमारी ख्वातीन बच्चियां वहां से बड़ी मुश्किल से, लोगों को पार्किंग का भी बड़ा मसला होता है, पथारे लगाए होते हैं, अब उन लोगों ने नाजायज और पार्किंग का इश्यू हो रहा होता है लोगों को। लेकिन मैं इस बात को भी मद्देनजर रखूंगा जरूर कि ये जिनको उठाया गया है, पहली बात तो इनको शुरू से ही नहीं बैठने देना चाहिए था। जब शुरू से नहीं बैठने देना देते तो ये अपना कहीं ना कहीं ठिकाना बना लेते। ठीक है ना, ये एक दफा उठाते हैं फिर आके आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कर देते हैं, फिर उनकी आपस में बातचीत हो जाती है, फिर वो सब कुछ सामने मुकमुका हो जाता है। हमने हमेशा यही देखा है कि हमेशा ये ऑपरेशन होते हैं, इसको करें तो मुस्तकिल करें, और फिर गवर्नमेंट का यह फर्ज बनता है कि जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको एक ऐसी जगह दे दे जहां पे अलॉट की जाए, जहां पे ये अपना रोजगार भी कर सके, क्योंकि वैसे ही बहुत बेरोजगारी है हमारे मुल्क में, तो वो एक इज्जत से अपना किसी मुनासिब जगह पे अपना रोजगार भी कर सके, हमारे शहर की रौनकें भी मांद ना पड़े, खूबसूरती भी बरकरार रहे, लोगों को भी चलने फिरने में दुश्वारी ना हो, तो ये अब डिपेंड करता है हमारे इदारों पे। क्योंकि हमने देखा है कि लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब इतनी ह्यूज दुकानें अपनी बनाई हुई हैं और आगे बाहर निकाल निकाल के बनाई हुई हैं। आपके ऑफिस के नीचे जो दुकानें तोड़ी हुई हैं, मैंने देखा है कि वो दुकानें आधे आधे रोड तक आगे ले आए हैं। बिल्कुल ले आए हैं, तो ये भी तो जुल्म है ना, ये भी तो जुल्म है। और आनन फानन पक्की बना दिए हैं, बिल्कुल पक्की बना दिए हैं, जैसे कि पहले से ही रोड उनका खरीदा हुआ था। अब मैं ये कहती हूँ खवातीन को दुकानें ढूंढने में कितना मसला होगा, अगर उनके बुटीक्स हैं, अगर उनके वो भी गैर कानूनी अगर हुई, वो भी तोड़ दी गई, तो वो तो बेचारी काफी परेशान हो जाएगी। जिनकी बुटीक्स हैं वो खुद ही अब बाहर निकल के खड़ी होंगी रोड पे, मैं इधर खड़ी हूँ। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था जिस तरह सर ने बात की कि जब ये तमाम पथारे वाले पथारे लगाया करते थे या जो गैर कानूनी तजावुजात बनाया करते थे, उस वक्त जो इनके सरपरस्ती कर रहे होते तो उसके पीछे भी एक माफिया है, उन्हें उसको भी जो है वो चेक करना चाहिए, उन्हें भी पकड़ना चाहिए। साथ साथ जब जिस तरह सर ने कहा, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि जब कोर्ट का ऑर्डर आता है या कोई ऊपर से प्रेशर आता है, आप बिल्डोजर और क्रेन वगैरह लेके उनको तोड़ने के लिए निकल आते हैं, लेकिन उससे पहले वो उन लोगों को, अभी मैं यहाँ पर देख रहा था पीछे उन्होंने कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं, मीडिया भी वहाँ पर मौजूद है, तो उन लोगों का भी मुतालबा यही है ना कि जब हम यहाँ लगाते थे तो आप हमारे से आगे पैसे लेते थे, इसके लगाने के हमारे से पैसे लिया करते थे, उसके बाद आपने हफ्ता और महीना हमारे साथ बांधा हुआ था, अब जब कोर्ट प्रेशर आया तो आप जो बिल्कुल साफ होकर हमें सारा कसूरवार ठहरा के आज हमारी तजावुजात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि अब उनको भी बाइज्जत रोजगार करने के लिए कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले या ये वो जाते हैं कि यार ये मकान जो बन गया है, बन गया है, बिल्कुल ये अनऑथराइज बना है, भाई जब बन रहा था वो कहां मर गए थे? इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई कुछ हो रहा है, कहां मर गए थे? अब जब तोड़ने गए तो मैंने किसी को कहा, किसी अपने ही प्रोग्राम में मैंने कहा, वो दो बातें होती हैं आपकी वहां पे, और कहा भी मैंने उनके डायरेक्टर जनरल को, मैंने कहा भाई आपकी दो बातें होती हैं वहां पे कि अगर मुकबका हुआ तो छोड़ दो, नहीं हुआ तो तोड़ दो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा उमर, बीइंग अ यूथ, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मैं थोड़ा सा तफसील से कहना चाहूंगा कि नौजवानों की दो किस्में होती हैं, एक वो किस्म जो एक स्कूल से स्टार्ट करती है अपनी एजुकेशन और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं, और एक दूसरा तबका होता है यूथ का जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी,
अब पेट क्योंकि सबके साथ है, रोजगार सबने कमाना है, माशी जरूरियात सबकी होती हैं, तो एक यूथ का वो तबका होता है जो रोजगार की तरफ चला जाता है, अच्छी से अच्छी नौकरी की तरफ जाते हैं, उसको मिलती है, एब्रॉड जाते हैं, सब कुछ होते हैं, अपने घर वालों को चलाते हैं, माशी हालात उनके बेहतर होते हैं, अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके बाद इस दायरे पानी से कूच कर जाते हैं। और दूसरी जो यूथ की एक किस्म होती है वो ये होती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आला तालीम हासिल करी, उसके बाद वो माशी अपनी ज़रूरियात पूरी करते भी हैं नौकरी के ज़रिए कारोबार के ज़रिए मुख्तलिफ वसाइल से, लेकिन एक वो एम बनाते हैं, एक अपना मकसद बनाते हैं मुल्क कौम के लिए कुछ करने का, जिसे हम कहते हैं अगर वो इन मामलात के अंदर दखल अंदाजी करते हैं आते हैं तो उसे हम कहते हैं सियासत में आना, सियासत करना। तो मैं ये समझता हूँ नौजवानों को सियासत से नहीं रोकना चाहिए, उन्हें सियासत में आना चाहिए और उनके लिए जो है हुकूमती सतह पर जो है सियासी सियासत करने के लिए राह हमवार करनी चाहिए। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? 200% इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि अभी अगर हमारी यूथ आएगी ना, जिस तरह उन्होंने कहा कि जो ये इमेज रखती है कि हमें सियासत में आना है, हमें अपने मुल्क को चलाना है, जो अभी हमारी यूथ आएगी ना वो करप्ट यूथ नहीं होगी, सही शफाफ यूथ होगी। और उस यूथ का काम सिर्फ ये होगा कि मैं आया हूँ तो मुझे इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो मैं इसीलिए मुकम्मल इत्तेफाक। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम भी जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा, इसी के साथ ही अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।